बिजली के बेशतर प्लांट बंद, सिफर बिजली पैदा हो रही है। बंद प्लांट को 1,000 करोड़ रुपए अदा किए जा रहे हैं। बिजली की असल कीमत 24 रुपए यूनिट, हुकूमत 60 रुपए यूनिट वसूल कर रही है। 48% IPPs 40 बड़े खानदानों की मलकियत हैं। आवाज उठाने पर धमकियां दी जा रही हैं। पैटर्न इंची फेप्टमा गोहरे जाजुम के खिलाफ हट पड़े। बिजली के टैरिफ में इजाफा नामंजूर, नेपरा में नुमाइंदगी तलब कर ली। पूछा क्या सार्फिन से बंद प्लांट के चार्जेस लेना जुर्म नहीं, लोग दवाई के पैसे भी बिलों में झोंक रहे हैं। मरीजों के गुर्दे भी अब ठेके पर वॉश होंगे। सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस सर्विसेज निजी शोबे को दी जाएंगी। महकमा सेहत पंजाब ने प्राइवेट कंपनी से बिड तलब कर ली। प्राइवेट कंपनी को ठेका देने से इलाज मजीद महंगा होगा। सरकारी कॉलेजेस को भी आउटसोर्स करने की सिफारिशात। इमारतों को शाम में प्राइवेट सेक्टर को लीज पर दिया जाएगा। AI IT से मुतल्लिका कोर्सेज करवाए जाएंगे। महकमा हायर एजुकेशन ने तजावीज हुकूमत को पेश कर दी। वजीर आला ने मजीद वर्किंग रिपोर्ट तलब कर ली। MD CAT का इम्तिहान 22 सितंबर को होगा। इम्तिहान एक ही दिन में लिया जाएगा, PMDC का ऐलान। MD CAT का निसाब अगले हफ्ते PMDC वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। काउंसिल की तमाम सूबाई सेक्रेटरीज को इम्तिहान की तैयारी शुरू करने की हिदायत। PND बोर्ड का इजलास, 51 करोड़ के फंड मंजूर। हाजी कैंप से दरियाए रावी तक निकासी आपका मंसूबा भी शामिल। बारिश के पानी का भी निकास यकीनी बनाया जाएगा। 46 करोड़ 66 लाख रुपए मंजूर। चेयरमैन PND बोर्ड नबील अहमद आवान ने इजलास की सदारत की। रवि, जो मैं मॉडल बाजार जिसका मैं इफ्तिताह करके आई हूँ, जिसको आपने अपग्रेड किया है, मुझे बहुत खुशी हुई है ये देख के कि आवाम की सहूलत के लिए, उनकी आसानी के लिए आपने मॉडल बाजार को एक मॉडल बना के जो है वो लोगों के लिए पेश किया है। के जो रनर्स हैं वो पीछे बच्चे खड़े हैं मोटर बाइक्स के साथ, आपके घर की दहलीज पर जो रियायती नरखों पर सारा आपका किचन का सामान अवेलेबल होगा इंशाल्लाह ताला। वजीर आला ने मॉडल बाजार टाउनशिप में फ्री होम डिलीवरी का इफ्तिताह कर दिया। 36 मॉडल बाजारों से आवाम को अशिया खुरनोश की मुफ्त डिलीवरी मिलेगी। मरियम नवाज ने मॉडल बाजार के अपग्रेडेशन का भी इफ्तिताह किया। मॉडल बाजार में 200 किलोवाट का सोलर प्रोजेक्ट भी लगाया गया। वजीर आला ने खिताब में कहा, मुश्किलात के बावजूद हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। सरकारी टीचिंग अस्पतालों की खुद मुख्तारी खत्म करने का फैसला। अस्पतालों में सफाई, सिक्योरिटी, पार्किंग के ठेके महकमा सेहत खुद देगा। सफाई, सिक्योरिटी और पार्किंग का पंजाब भर का सेंट्रल ठेका देने का फैसला। पैसे से बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के इख्तियार महदूद हो जाएंगे। मजदूर किसान पार्टी बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्राइवेट रोड पर सरापा एहतजाज। महंगाई से गरीब आदमी का गुजर बसर मुश्किल हो गया। मुजाहरीन ने बिजली, गैस और पेट्रोलियम मसूआत की कीमतों में कमी का मुतालबा किया। इछरा में नवापुरा के मकीनों का सोई गैस की किल्लत के खिलाफ एहतजाज। शाहदरा में बिजली के बढ़ते कीमतों और महंगाई के खिलाफ एहतजाज। मुजाहरीन ने हाथ में रोटियां और बिजली के बिल उठा रखे थे। हुकूमत से बिजली के बिलों में आए टैक्सेस वापस लेने का मुतालबा। जौहर टाउन राजपूत स्ट्रीट पार्क का अबतर सूरत हाल। बैरूनी दीवारें जंगले टूट गए। पार्क से झूलों का नामो निशान मिट गया। सीवरेज के पाइप और गंदगी के ढेर भी मौजूद। मनामा स्काईलैंड रोड पर सीवरेज का नकारा निजाम। गंदे पानी ने मकीनों का जीना मुहाल कर दिया। इधर मेन समनाबाद रोड और मुलहिका गलियों में भी सीवरेज का गंदा पानी जमा। पानी के बायस मच्छर और बीमारियां जन्म ले रही हैं। विंडसर पार्क इच्छा के दोनों वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट खराब। इलाका में की इंसाफ पानी की बूंद बूंद को तरस गए। मॉडल टाउन एस ब्लॉक का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट 6 माह से खराब है। इलाका में की इंसाफ पानी के लिए दरबदर। प्लांट में मशीनरी भी मौजूद नहीं। रेस कोर्स में कत्ल की वारदात का ड्रॉप सीन। इगवा बराए तावान सेल ने मरकजी मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। वजीर मजहबी अकलियती आमो रमेश सिंह अरोड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। DIG ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट इमरान किश्वर की शिरकत। मार्शल के कत्ल पर
क्रिश्चियन कम्युनिटी ने शदीद एहतजाज किया था। पसंद की शादी करने वाले शोहर ने दो बच्चे छीनकर बीवी को घर से निकाल दिया। भारतीय खातून बच्चों की बाजियाबी के लिए हाईकोर्ट पहुंच गई। चीखो पुकार जस्टिस मोहम्मद अमजद रफीक ने खातून फरजाना बेगम की दरख्वास्त पर समाप्त की। लाहौर हाईकोर्ट के ग्रेड 20 और 19 के अफसरान के तबादले। डेप्यूटी रजिस्ट्रार जाहिद महमूद का प्रिंसिपल सीट पर तबादला। असिस्टेंट रजिस्ट्रार अमजद बशीर डार को रावलपिंडी बेंच से प्रिंसिपल सीट पर तब्दील कर दिया गया। जिले अदालतों के दो जजेस के तबादले। डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज सैयद असगर अली का तबादला। सीनियर एडिशनल रजिस्ट्रार हाईकोर्ट मुल्तान बेंच तैनात। सेशन जज खालिद महमूद चीमा। सीनियर एडिशनल रजिस्ट्रार हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच तैनात। मखसूस नशिस्तों बारे सुप्रीम कोर्ट का फैसला। हुक्मरान जमात का इत्तेहादियों से राबतों का फैसला। असर नो सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। जल्द इजलास बुलाने का फैसला। नवाज शरीफ खुद इत्तेहादियों से राबता करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी चौधरी शुजात और दिगर से मुशावरत भी की जाएगी। नू लीग के मरकजी कायदीन का अहम इजलास कल तलब। पंजाब असेंबली में मखसूस नशिस्तों का मामला। तहरीक इंसाफ का मखसूस नशिस्तों की फेहरिस्त तब्दील करने का फैसला। मखसूस नशिस्तों के लिए दी गई फेहरिस्त को तब्दील किया जाएगा। मुशावरा जारी। हतमी मंजूरी के बाद लिस्ट बानी पीटीआई को दी जाएगी। चेयरमैन काबीना कमेटी सलमान रफीक की पीडीएम में हेड ऑफिस आमद। कंट्रोल रूम का दौरा किया। सूबाई वजीर ने बारिशों की सूरत हाल का जायजा लिया। डीजी इरफान अली काठिया ने ब्रीफिंग की। सीईओ रूडा की मुद्दत मुलाजमत में एक साल की तोसी का फैसला। काबीना ने मंजूरी दे दी। इमरान अमीन 14 जून 2021 को 3 साल कॉन्ट्रैक्ट पर तैनात हुए। चेयरमैन रूडा असफर अली नासिर के सिफारशात पर कॉन्ट्रैक्ट में 1 साल तोसी की गई। जामिया मस्जिद बाबडा टाउन बीटू में अवामी खुली कचहरी। एमपीए मलिक शहबाज खोकर और डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान की शिरकत। अहले इलाका ने कब्जा माफिया लड़ाई झगड़ा समेत दीगर मसाइल से आगाह किया। लीग रहनुमा उमर सुहेल जाबट की पार्टी कारकुनान से मुलाकात। तनवीर बुखारी मलिक बशारत सूफी नवीद मियां अनवर और दीगर शामिल। लीगी कारकुनान ने उमर सुहेल जाबट की सालगिरह का केक भी काटा। पंजाब पुलिस स्टूडेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम की इख्तितामी तकरीब। क्रिमिनोलॉजी डिपार्टमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी के 36 तलबा तालिबात ने हिस्सा लिया। एडिशनल आईजी ट्रेनिंग पंजाब तारिक रुस्तम चौहान ने सर्टिफिकेट तकसीम किया।